नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपको बताएं कि 24 सितंबर से पहले चरण के चुनाव करवाए जाएंगे और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कई सारे दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। लेकिन इस सबके बीच मुखिया के लिए भी अब राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइंस जारी किया है और इस गाइडलाइंस का खासा फायदा मुखिया को होने वाला है। क्या है ये गाइडलाइंस और किस तरह के फायदे मुखिया को होने वाले हैं, आपको पूरी जानकारी देते हैं। राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। त्रिस्तरीय चुनाव में खड़े होने वाले भावी उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन क्षेत्र सीमा कहां तक रहेगा, निर्वाचन आयोग ने इससे जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिससे जिला निर्वाची पदाधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। आयोग की गाइडलाइन में हर पद के प्रत्याशी के लिए एक सीमा निर्धारित की गई है, जिसका पालन करते हुए ही वे चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मुखिया पद के उम्मीदवार अपने प्रखंड की किसी भी पंचायत से चुनाव लड़ने को स्वतंत्र होंगे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह होगी कि ऐसे मुखिया प्रत्याशी का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। मुखिया के साथ ही सरपंच या पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार के लिए यही नियम रहेगा। अगर मतदाता सूची में संबंधित प्रत्याशी का नाम नहीं है तो वे नामांकन नहीं कर सकेंगे। इन तीन पदों के साथ ही आयोग ने अन्य पदों के लिए भी चुनाव लड़ने का सीमा क्षेत्र निर्धारित कर दिया है। किसी भी पद के प्रत्याशी के लिए चुनाव मैदान में किस्मत आजमाने की पहली शर्त होगी कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उनका नाम हो। मतदाता सूची में नाम होने पर ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच अपने किसी भी वार्ड से प्रत्याशी बन सकते हैं। इन पदों के अलावा जन परिषद प्रत्याशी अपने जिले के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकता है। शर्त वही होगी कि जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां की मतदाता सूची में उनका नाम हो। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत समिति सदस्य, मुखिया या फिर सरपंच बिना मतदाता सूची में नाम रहे उम्मीदवार बन जाते हैं और चुनाव जीतते हैं तो उनका निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP में पारित आदेश के अनुसार ही मान्य माना जाएगा। तो ये गाइडलाइन राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया गया है। आपको बताएं कि उम्मीदवार मुखिया अपने प्रखंड की किसी भी पंचायत से चुनाव लड़ने को स्वतंत्र है। ऐसे में मुखिया का बड़ा फायदा होने वाला है और ये गाइडलाइन राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी हुआ है। आपको बताएं कि बिहार में पंचायत चुनाव 24 सितंबर से करवाए जाएंगे। पहले चरण की शुरुआत होगी और इस बार के पंचायत चुनाव को 11 चरणों में करने का निर्णय लिया गया है और इसी को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हर दिन कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा है। साथ ही साथ इस बार का पंचायत चुनाव और भी ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि पंचायत चुनाव EVM के द्वारा करवाए जाएंगे। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग और भी सख्ती के साथ पूरे इंतजाम करने में जुटा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।